क्या दोस्तों आपके हाथ भी अकड़ चुके हैं माउस यूज़ करते करते? क्या आपके हाथों में भी दर्द हो जाता है माउस यूज़ करते करते? तो मुझे मेरे पास है आज आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आज मैं आपको ऐसा माउस दिखाने वाला हूँ जो आपके हाथों का पूरा दर्द खत्म कर देगा और आपको मुझसे प्यार हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको सॉल्यूशन दिया आपकी प्रॉब्लम का। तो चलिए शुरू करते हैं एक चमत्कारी माउस की अनबॉक्सिंग जो काफ़ी अफोर्डेबल भी है, ओनली 550 रुपीज़ का। वैसे नॉर्मली 800 रुपये तक का रहता है बट सेल पर 550 रुपीज़ का है। तो आज मैं अनबॉक्सिंग करूँगा पोर्ट्रोनिक टॉर्गो गेमिंग, सॉरी नॉट गेमिंग, वर्टिकल गेम वर्टिकल माउस की। और आप कमेंट ज़रूर करिएगा आपको माउस कैसा लगा। मुझे तो बहुत प्यारा लगा पर इसकी थोड़ी DPI थोड़ी स्लो है, आपको मैं शो करूँगा अनबॉक्सिंग के दौरान। अब चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं जल्दी से। तो आपको बॉक्स कुछ इस टाइप का मिलता है, काफ़ी प्यारा सा वाइट बॉक्स। इसमें लिखा हुआ है पोर्ट्रोनिक टॉर्ड अर्गो सपोर्ट हैंड पोस्चर और वर्टिकल एडवांस एर्गोनोमिक माउस। यहाँ दिया गया 6D बटन है, इसमें 50 मिलियन के लिए लाइफ है। पावर स्टिक बोर्ड है, वेस्ट सपोर्ट है, हाई ऑप्टिकल सेंसर है, 2.4 GHz वायरलेस का डोंगल है इसमें। और उसकी कीमत बता गई है 1500 रुपये, तो इतने का नहीं मिलता, 1 ईयर की वारंटी है और मेड इन चाइना, बस यही कमी रह गई थी। और चलो यही था बॉक्स के हाईलाइट, खुलते अपना बॉक्स। यहाँ माउस, ये कुछ पुस्तकें फोटोनिक्स की। खैर वैसे तो किसी काम की होती नहीं पर हम पढ़ लेते हैं। क्या वारंटी कार्ड है, आते हैं अपने माउस की तरफ। और ये हमारी कोमल गली भर आने वाली है और ये आ गई। और ये हमारा पोर्ट्रोनिक्स की ब्रांडिंग दी गई है इधर, और ये सिल्वर कलर की प्लेटिंग है, काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये DPI चेंज करने वाला है बटन है और साइड में 2 बटन दिए गए। इनका क्लिक फीडबैक बहुत ही बुरा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरे साउंड करते हैं और दबाने में अच्छे से फील नहीं होते। और यहाँ दिए गए हमारे मेन बटन टैप राइट, और ये हमारा स्क्रॉल व्हील, इसमें भी बटन है। और पीछे से कुछ इस टाइप का दिखता है हमारा माउस, ये ऑन ऑफ का बटन है और ये इंडिकेटर हमारा लाइट सेंसर। और यहाँ हमारे सेल डलते हैं, AAA सेल 2 डलते हैं इसमें। इनकी लाइफ वैसे तो बताई गई है करीब 2 साल, तो देखते हैं कितना चलता है। और ये हमारा पैसा डोंगल किधर गया, अरे अरे मिल गया, ये रहा। अब इसे ले मैं लैपटॉप में कनेक्ट करूँगा। ये आ चुका है हमारा लैपटॉप और ये हमने लिया अपना डोंगल और ये लगा दिया। और अपने माउस को ऑन कर देंगे इधर से, इससे कि आपकी बैटरी बचेगी। और जो हमने रखा मुझे देखिए आप, कर्सर आ चुका है। अरे ये सॉफ्टवेयर क्यों आ रहा है, अब देखिए ये DPI का बटन है, मैं आपको कह रहा था ना स्लो है इसकी DPI। तो जैसे कि मैं इसको दबाता हूँ तो चेंज हो जाएगी, ये 100 से लेकर 1200 के बीच में रहती है। पर ये 3 ही ऑप्शन है इसमें, चेंज तो 3 ही बार होती है। जी मैंने एक बार दबा दिया, अब जो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुका है कर्सर, आप देख सकते हैं। अब मैं एक बार दबाऊंगा थोड़ा फास्ट हो जाएगा, मैं एक बार दबाऊंगा और जो बहुत फास्ट हो चुका है। अब मतलब नॉर्मल एडिटिंग के लिए सही है, गेमिंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते आप इसे, खासकर FPS गेमिंग में, स्टोरी गेम में यूज़ कर सकते हैं। एक बार दबाऊंगा फिर स्लो हो जाएगा, मतलब 3 बार ही दबा सकते हैं आप इन्हें। लेफ्ट राइट के बटन और ये हमारा स्क्रॉल व्हील, ऑल एप्स, स्क्रॉल व्हील काफ़ी अच्छा है और बटन भी इसका काफ़ी अच्छा फीडबैक दे रहा है। और इसकी मतलब बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी, काफ़ी मजबूत सा ये फील होता है आप कितना ही दबा लो मैंने। बस जे वाले बटन मुझे काफ़ी वीक लगे, दबाने में अच्छे से फील नहीं हो रहे। DPI का बटन भी ठीक है और यहाँ पे ये पैटर्न दिया गया है, ये भी अच्छी डिज़ाइन है। और खासकर सबसे मेन हाईलाइट हो जाइए पकड़ने में कुछ इस टाइप का है खड़ा माउस तो आपके हाथों में बिल्कुल दर्द नहीं होगा इसे यूज़ करते हुए। बाकी वायर जो वायर्ड गेमिंग माउस मिल जाएंगे आपको 500 रुपये तक में, वो भी काफ़ी अच्छी DPI के साथ आते हैं। मैं आपको शो करता हूँ एक जो मेरे पास गेमिंग माउस है ग्लेडियर का, मैं 300 रुपये में खरीदा था अमेज़न से, A15 अनबॉक्सिंग कर चुका है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो ये रहा हमारा गेमिंग माउस, इसे हम कनेक्ट करेंगे। इसमें आपको RGB मिलती है, इसके आप स्क्रॉल व्हील देखिए कितना फास्ट काम करता है। उसके बटन का फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है, चाहे कोई सा बटन हो, बस इसमें एक ही कमी है ये वायर है, वायर्ड है बस, ब्रेड की बलाती है। आप 300 रुपये और क्या लोगे, जान लोगे बच्चे की, बस यही प्रॉब्लम है इसमें। जैसे मैं एडिटिंग वगैरह करता हूँ तो दर्द कर देता है हाथ में,
बाकी इसमें तो कोई कमी नहीं है वैसे तो मेरी, मैंने इसलिए खरीदा इसको ताकि ये मेरे हाथों का दर्द ख़त्म कर सके, और मैंने आपको दिखाया जी ताकि आपके हाथों का दर्द ख़त्म हो सके। तो बस यही था इस वीडियो में गाइस। और क्या ही होगा माउस में, इसमें कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं है, कोई इसका सॉफ्टवेयर नहीं आता, इसमें कोई RGB तो नहीं है, पता नहीं बटन कैसे असाइन करोगे ये वाले। तो बस यही था गाइस, और आपको वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट में जी, आपको खड़ा माउस कैसा लगा फोटो ऑर्डर को, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा बस इन दोनों बटन को छोड़ के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सो प्लीज़ स्टे विद माई चैनल, थैंक यू। फिर से एक बार खड़ा चैनल खड़ा माउस।